शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आई ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकत्री कल्याण सेवा समिति की सैकड़ों कार्यकत्री इकट्ठा हुई और आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बनाई। इस दौरान पार्टी के सदस्यों ने अन्य आशा बहनों का हौसला अफजाई करने के लिए संबोधन में कहा, घर की महिला है और सब सम्मान नहीं कर सकती है तो ये जान लीजिए बदलेगी सपा सरकार, जो ही बदलेगी कुछ न कुछ कल्याण होगा। ये महिला भिखारी है और ये महिलाओं को जरूर आप चाहिए कि आप अपने दिन दिन रात सोते नहीं है, जान लीजिए नहीं करते हैं, ये हमेशा चिंतित रहते हैं, एक हो जाएंगी, कोई भी बहन उधर को नहीं बैठते हैं, उसी धूल मिट्टी में बैठते हैं, भूखे बने जो भी हमारी बहन शहर में आकर के भटक रही है इधर उधर दुकानों पर अस्पतालों में जहाँ भी जा रही है उनको समझा बुझा करके ले आइए कि बहन चलिए हम सब एक हो करके एकजुट एक जगह बैठ करके अपने उद्देश्य को पूरा करें। अगर ऐसा नहीं सोचती है तो ये जान लीजिए कि आपकी श्रीमती चंदा यादव जी अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी, जब तक आपका साथ नहीं रहेगा जब तक आप लोग दोषी उनको ठहराती रहेंगी, आप कभी साथ नहीं देंगी और दोषी बनाएंगी दूसरों को, कुछ कर नहीं रही है, कुछ करती नहीं है, कुछ करके दिखाती नहीं है, ये बात बहुत गलत लगता है और सुनने में जब भी आता है तो अपने आप को लज्जित होना पड़ता है।